हेलो एवरीवन, सो हमारा आज का क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पास थ्रू मोल्टन एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर 96.5 सेकंड्स, कैलकुलेट मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड। मैंने एल्युमिनियम का मास फाइंड आउट करना है, जब मैंने 10 एम्पियर उसे करंट दिया इतने सेकंड्स के लिए, ठीक है, सो कितना एल्युमिनियम का मास जो है वो डिपॉजिटेड हो पाया है। सो मुझे पता है कि एटॉमिक मास जो है वो एल्युमिनियम का वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 27 होता है, ठीक है। सो आई कितना गिवन है मुझे, करंट गिवन है मुझे 10 एम्पियर, टाइम जो है वो ऑलरेडी सेकंड में गिवन है, तो मैं उसे चेंज नहीं करूँगी। सो अब मैंने निकालनी है क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, आई इंटू टी का फॉर्मूला होता है ना, सो 10 कर एम्पियर इंटू 96.5 सेकेंड, तो इसे मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आ गया, 965 कूलम मेरे पास क्यू आ गया। अब एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज होता है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, सो इसे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दूंगी कि मेरे पास एल्युमिनियम बन जाए, मैं इसे 3 इलेक्ट्रॉन दूंगी ताकि मेरे पास एल्युमिनियम का जो है वो बन जाए। सो इसका मतलब मेरे पास फैराडेज का कितना हो गया, 3F हो जाएगा, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 96500। अब मेरे पास सारी चीज़ें गिवन है, अब मैंने सिर्फ फॉर्मूले में जो है पुट करना है। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय फैराडेज कॉन्स्टेंट। अब फैराडेज यहाँ पे 3F है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय क्यू चार्ज। एटॉमिक मास मेरा कितना गिवन है, 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 96500 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 965 गिवन है। सो कटिंग करके 3 1 3 3 9 27, सो ये मेरे पास क्या आ गया, 9 upon 96500 into 965। सो 965 को अगर मैं इसके साथ कट करूँगी, सो मेरे पास वैल्यू आ गई 100, 9 divided by 100, सो मेरे पास आंसर आ गया 0.09 ग्राम्स जो है मेरे पास मास जो है वो लिबरेटेड हुआ है एल्युमिनियम का कैथोड के ऊपर, जब मैंने इतना करंट फ्लो करवाया इतने सेकंड्स के लिए।